हाँ देखिए, मसाला किचन में बन रहा है आज पाइनएप्पल पेस्ट्री, सुपर सॉफ्ट पेस्ट्री। इसे देखकर आप सारी बेकरियां भूल जाएंगे। केक सन बहुत सारे बनाते रहते हैं, आज भी मैं एक केक बनाऊंगी। बहुत सारी डिमांड है पाइनएप्पल केक बनाने की, तो आज हम बनाएंगे और उसकी पेस्ट्री भी बनाएंगे, क्योंकि त्यौहार है, कभी भी बना सकते हैं। हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 50 वो विनर्स होंगे जिसके साथ हम वीडियो कॉल करेंगे, 25 वो विनर्स होंगे जिन्हें घर बैठे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। ये सब कब तक है और कैसे है, ये आपको हमारा फर्स्ट कमेंट देखना होगा और बहुत ही जल्दी, बस 31 जुलाई तक है, जल्दी जल्दी कीजिए। राखी आ रही है, फ्रेंडशिप डे है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। आज सिंपल सा केक लाई हूँ जो कि घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे एक कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, घर में कोई भी जो होती है स्टील की, एक कटोरी दही ले लीजिए, एक कटोरी चीनी ले लीजिए, 1 1/4 मतलब एक कटोरी और 1/4 कटोरी और मैदा ले लीजिए। यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 1/4 टीस्पून और ये 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ले लिया है। ये है 1/4 कटोरी ऑयल, इसके बदले आप बटर ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, कोई दूध नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले एक बर्तन ले लिया जिसमें हम दही डालेंगे। दही नॉर्मल जो हमारे घर में होती है, थोड़ा लिक्विडी भी होगी तो चलेगी। ये चीनी है जिसे मैंने छान लिया है, इन दोनों को हमें मिक्स करना है। चीनी पीस कर ही लीजिए। अभी ये केक तो मैं बना रही हूँ, पर फिर भी आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा केक पसंद है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इन दोनों को मिक्स करके एक तरफ अलग रख देंगे, इसका केक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसमें काफ़ी झाग हो गई है। अब हम इसमें छना हुआ मैदा डालते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, वो डिपेंड करता है दही पर। अगर दही ज़्यादा लिक्विडी है तो हो सकता है काम हो जाता, पर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी इसकी ठीक करनी है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। इस केक में कुछ ड्रॉप्स पाइनएप्पल के इमल्शन डालना चाहिए। इमल्शन मतलब होता है कलर प्लस एसेंस, वैसे वो डालना चाहिए, पर इन केस नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल बनाइए। और हम जब इसकी आइसिंग करेंगे तो पाइनएप्पल सिरप और पाइनएप्पल पीसेस डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा दूध में और डाल रही हूँ, असल में ये टाइट नहीं चलना चाहिए, स्मूथ सा चलना चाहिए। ये देखिए अब परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैंने ये पैन गरम कर दिया है 5-7 मिनट के लिए, और नीचे मैंने स्टैंड रखा जरूर है, लेकिन ये मोल्ड मेरा ऐसा है इसे स्टैंड की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऊपर किनारों पे ही लगा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं। कभी आपके पास भी इस तरीके का मोल्ड हो तो आप स्टैंड मत रखिए, सीधा इसी तरीके से रखिए। अब जब आपने केक रख लिया है तो अब मैं आपको एक बात और बताऊँगी, यहाँ पर आपको फ्लेम पहले 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम रखना है, जिससे हमारे केक को नीचे से हीट मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद 1 मिनट बाद आप इसकी फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। लेकिन कई मेरे व्यूअर्स का ऐसा कहना होता है कि हमारा केक 3-3 घंटे नहीं पकता, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप 10 मिनट बाद ही चेक कीजिए, क्योंकि अगर फ्लेम नहीं मिलेगी तो केक सही नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा, उसकी फ्लेम को थोड़ा बढ़ाना होगा। यहाँ देखिए करीब 35 मिनट हो गए हैं, केक बहुत ही बढ़िया पक चुका है। हम इसे टूथपिक से भी चेक कर लेते हैं एक बार। करेक्ट, ये देखिए केक बन चुका है, ऊपर से बिल्कुल लाइट शेड है, मुझे यही चाहिए स्पॉन्ज केक। अब हम इसे निकाल तो लेते हैं, लेकिन अभी डीमोल्ड नहीं करेंगे, काफी गर्म है। ये देखिए अब ये ठंडा होगा तभी मैं इसे निकालूंगी और इसकी क्रीम बनाऊंगी, फिर आपके सामने पेस्ट्री बनाऊंगी। इसे अब हम निकाल लेते हैं।
बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। अब इस केक में ये देखिए साइड में अगर मैं पेपर नहीं डालती तो ज़्यादा डार्क हो जाता, और डार्क हो जाता तो हमें काफ़ी हद तक काटना पड़ता है। ऐसे हम बहुत लाइटली से काटेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो ऐसा कीजिए, ये देखिए ये मैंने कैसे पेपर डाले थे, ऐसे चारों तरफ और बीच में भी एक पेपर डाल दिया था। तो जिस शेप का आप डालना चाहेंगे उस शेप का आपका केक बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये बहुत ही सॉफ्ट सा केक बनकर तैयार हुआ है। इसे कम से कम काफ़ी हद तक ठंडा कीजिए, तभी इसकी आइसिंग शुरू कीजिए। अब बारी आती है हमें केक को किस फ्लेवर में बनाना है। जैसे मुझे आज ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बनानी है या पाइनएप्पल केक बनाना है, तो मुझे क्या करना है, पाइनएप्पल का मुझे टिन चाहिए जिसमें सिरप भी होता है, स्लाइस होती हैं या छोटे पीसेस होते हैं। पर लॉकडाउन चल रहा है, मुझे तो वो टिन मिला नहीं, तो मैंने नॉर्मल पाइनएप्पल ले लिया। उस पाइनएप्पल को छील के बहुत बारीक पीसेस कर दिए और उसे मैंने प्रेशर कुकर में डालकर और एक कप पानी डालकर उसे बॉईल किया, जैसे हम आलू बॉईल करते हैं। जब दो तीन विसिल में वो अच्छा सा बॉईल हो गया तो मीठा भी था, तो मैंने उसमें फिर आधी पौन कटोरी पानी चीनी डाल दिया और एक विसिल फिर से लगा दिया। तो लीजिए ये तैयार हो गया है, कटोरी में मैंने ठंडा कर दिया है। अब ये मेरे पास पाइनएप्पल सिरप भी है और पाइनएप्पल के पीसेस भी हैं। अगर आपको मैंगो का बनाना है तो आप मैंगो के स्लाइस लीजिए, साथ में फ्रूट ले लीजिए। तो अब बारी आती है हमें इसे आइसिंग करने की। तो आइसिंग करने के मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है कि अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम ना हो तब आप कैसे करें। तब मैंने पनीर से व्हिप्ड क्रीम बनाई है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, आप ये ज़रूर देखिए। अभी जो मैंने लिया है ये व्हिप्ड क्रीम लिया है, और जब भी आप इस व्हिप्ड क्रीम को यूज़ करें तो उसे पहले आपको मेल्ट करना है। वो जमा हुआ जब हम फ्रीजर में रख देते हैं तो हमें पहले मेल्ट करना होता है, रूम टेम्परेचर पर लाना होता है, उसके बाद अगर आप बीट करेंगे तो कभी भी क्रीम आपकी मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कप क्रीम ली है, अब इसे मैं जल्दी से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर देती हूँ। नीचे मुझे कोई बर्फ़ नहीं रखनी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो नॉर्मल हैंड विस्कर से इसे कर सकते हैं। इस पाइनएप्पल पेस्ट्री को देखने के लिए, इसके सारे ट्रिक्स फॉलो करने के लिए आपको प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना होगा। मैंने इसमें क्रीम के बारे में बताया है, पाइनएप्पल के बारे में बताया है, स्पॉन्ज केक कैसे बनाए, सारी चीज़ें बताई हैं। तो प्लीज़ आप इसे देखिए, मैंने बहुत ही घर के इंग्रेडिएंट्स से लिए हैं जिससे आप आराम से बना सकें। अब यहाँ देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बीटर से मुझे 2.5 मिनट हुए हैं और ये क्रीम डबल से भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जैसे मुझे क्रीम चाहिए ऐसे कोन बन जाए वैसी ये क्रीम तैयार हो गई है। अब ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, चाहे आप रूम टेम्परेचर पर इसे रख दें। तो अब हम इसके जो साइड हैं वो पहले काटेंगे। अब देखिए काफ़ी सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, और इसका स्पॉन्ज यहाँ देख लीजिए बिल्कुल जो मार्केट का केक होता है वही है। अब आप चाहें तो आराम से इसके 3 स्लाइस कीजिए या 2 स्लाइस कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो स्पॉन्ज केक है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है क्योंकि हम इसे फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। अब इसे हमें काटना है, काटने के बाद हमें क्या करना है, इसे गीला करना है। तो ये जो सिरप बनाया हुआ है ना पाइनएप्पल का, तो ये धीरे धीरे हमें चम्मच से डालते जाना है। अब बारी आती है क्रीम की, हम थोड़ी थोड़ी इस पर क्रीम लगाते जाएंगे, उसके बाद ये पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस डालते जाएंगे जिससे ये पूरा फ्लेवरफुल बने। इसी तरीके से दोनों तीनों स्लाइस को हम करते रहेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है कि मैंने पहले पहले आपको बोला था कि अगर हमारे पास केक नहीं हो तब भी आप इस केक को बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने पहले 2-3 वीडियो डाले हैं, उन वीडियो को मैं दिखा दूंगी, उनकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। मैंने ब्रेड से केक बनाए हैं, तो उसी तरीके से आप ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बना सकते हैं अगर आप स्पॉन्ज नहीं बना। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ एजेस में कमी है, तो उसे हमें इसे पूरा करना है।
थोड़ा सा शुगर सिरप, पाइनएप्पल सिरप इसमें भी डालेंगे ताकि यहाँ भी जूसी होना चाहिए। ये डालने के बाद थोड़ा सा इसे छोड़ना होगा। अब लास्ट जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे भी हमें क्रीम के साथ कवर करना है और इसे प्लेन करना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होगा। अब इसे आप यूँ प्लेन भी रहने दे सकते हैं, और अगर मन करे तो इस टाइप का फनर होता है उस पर यूँ डिज़ाइन दे सकते हैं, यूँ भी दे सकते हैं। अब हम इसके पहले कट लगाएंगे कि ये पेस्ट्रीज बनेंगी कितनी। इस केक को कट लगाने से पता चल रहा है ये केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ देखिए पेस्ट्री को कट हमने लगा दिया है। जो बची हुई क्रीम थी उसे मैंने एक कोन में डाल दिया है, कोन में स्टार नोजल डाल दिया है। नोजल अगर आपके पास ना हो तो उसके लिए भी वीडियो है, आप प्लीज उसे जरूर देखिए। आप घर में नोजल बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान तो नहीं है, करौंदा चेरी या कोई भी आप पाइनएप्पल के पीसेस जो हमने बचाए हैं उसी से हम डेकोरेट कर देंगे। अभी हमारे पास जैसे कई बार कई चीज़ें ये ईटेबल होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं पेस्ट्री पर लगाने के लिए, तो मेरे पास हैं, आपके पास भी हो तो लगा दीजिए, नहीं तो चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको इसे अलग करके दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है। आपको किस टाइप की पेस्ट्री पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और राखी के लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, माँ ये कैसे करूँ इस चैनल में, आप उसे भी देखिए, शायद आपको पसंद आए।